दोस्तों बहुत दिनों से सोचा था इस जगह जाने के लिए, पर इस मौसम में आऊँगा ये कभी नहीं सोचा था। सीरियसली दोस्तों, कभी टाइम निकाल के ना इस जगह ज़रूर आना और इस जगह को खुद फील करना। हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। सो आज हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी मंदिर, जो कि यहाँ से है लगभग 70 किलोमीटर्स। ओके, सो बारिश का मौसम है, थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। ओके, चलते हैं, लेट्स गो। कितने पैसे भी है? 12 रुपये। ओके, थैंक यू, थैंक यू भैया। चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ। तो गाइज, आप कितना भी जल्दी में हो, कितना बिजी हो, तो बीच बीच में भगवान को याद करते रहें, कहीं ऐसा ना हो भगवान आपको याद कर लें। समझ रहे हो ना? वैसे जब भी मैं इधर जाता हूँ धनौल्टी साइड, तो यहाँ ज़रूर रुकता हूँ। हनुमान मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। जय हनुमान जी। ओके, अब सब ठीक है, सब बढ़िया। सो गाइस, पूरा मौसम बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया है। वो पहाड़ देख रहे हो आप, कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके, एंड दैट्स माय बाइक, जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। गाइज, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं रोड पे। ये जो बीच की पट्टी है ना, ये भी 2 या 3 ही दिख रही है, इससे आगे दिख ही नहीं रही है। बहुत केयरफुली बाइक चलानी पड़ रही है। बेसिकली मैं सोचा था कि सुहाकोली वाटर ब्रेक लूँगा, बट उससे पहले रुकना पड़ेगा, बिकॉज विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। सो यहाँ शायद कोई मैगी पॉइंट है, एज़ यू कैन सी कुछ नहीं दिख रहा है आगे भी एंड पीछे भी। सो यहाँ रुकते हैं। ओके ओके, आराम से आराम से। सो गाइज, ऐसी सिचुएशन में बाइक चलानी सेफ नहीं होती, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं जब तक क्लाउड्स क्लियर नहीं होते। ओके, गाइज यहाँ जनवरी और फरवरी के महीने में बहुत स्नोफॉल होती है, एंड लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। ये सारे पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते हैं, जैसे अभी बादलों से ढके हुए हैं, तब उस टाइम पे बर्फ़ से ढक जाते हैं, अलग ही नज़ारा होता है उस टाइम पे। तो वो देख रहे हो सामने देवदार के पेड़, सब क्लाउड्स से ढके हुए हैं, आधे दिख रहे हैं आधे दिख नहीं रहे हैं। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी, एंड ये पहला इको पार्क है। बेसिकली यहाँ 2 इको पार्क है, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, एंड यहाँ इतना क्लाउड्स नहीं है। बेसिकली जो साइड में खाई है, इनमें क्लाउड्स हैं, मेन रोड पे नहीं है। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम फॉगी फॉगी सब कुछ।
सो यहाँ से धनौल्टी स्टार्ट होता है। एंड गाइस ये धनौल्टी की मार्केट है। ओह जाम। सो ये दोस्तों दूसरा इको पार्क है, ये काफ़ी अच्छा इको पार्क है, पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली आप ऊपर जाके एक प्लेन ग्राउंड आता है, वहाँ बैठ के आराम से चिल कर सकते हो। सो पहुँच चुके हैं कद्दूखाल, जहाँ हमें अपनी बाइक खड़ी करनी है। ओके सो गाइज यहाँ पहले बाइक खड़ी कर लेते हैं एंड यहीं से हमें प्रसाद भी लेना है। गाइज ये नीचे एक पूरा कद्दूखाल है जहाँ हमारी बाइक खड़ी है एंड यहीं से सुरकंडा देवी मंदिर का ट्रैक स्टार्ट होता है। लगभग 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है। सो गाइज वो सामने आपको दिख रहा है वो मंदिर है जहाँ हमें जाना है एंड ये कुछ ऐसे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं जिनसे होते हुए हमें वहाँ जाना है। ओके बहुत चढ़ाई है। सो गाइज अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो यहाँ पे घोड़े भी अवेलेबल हैं। कितना किराया भी है? 400 रुपये। ओके 400 जाना 400 आना। ओके तो गाइज वो सामने मंदिर है दिख रहा है बट बहुत दूर है। सो गाइज ये एक शॉर्टकट है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इससे काफ़ी रास्ता बच जाएगा मेरा एंड टाइम भी बचेगा। गाइज इतनी दूर पहाड़ पे ना एक शेड बना हुआ है जहाँ मैं भी बैठा हूँ और आपको इसकी स्लैब दिखाता हूँ, देख रहे हो? गाइज एक पानी की बोतल कम से कम 2 लीटर की एंड सनग्लासेस अपने साथ जरूर लाएं। ओके ये दोस्तों साइड में रोपवे के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सेम ऐसे ही एक मशीन रूम नीचे बन रहा है। सो जल्दी यहाँ केबल कार चलने लगेंगी तो काफ़ी इजी हो जाएगा एंड फाइनली गाइज ऊपर पहुँच गए एंड स्टार्टिंग में ये एक शू स्टैंड बना हुआ है, यहाँ हमें अपने जूते रखने हैं, कहीं भी रख सकते हो बट मैं यहाँ रखूँगा दिस स्पेस। ओके सो चलते हैं। जय माता। सो गाइज इस मंदिर की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आप लोगों को जैसे पता ही है कि सती का शिव भगवान के साथ प्रेम विवाह हुआ था एंड उस टाइम पे प्रेम विवाह नहीं होते थे एंड आई थिंक हमारी हिस्ट्री में पहला प्रेम विवाह था जो सती के पिता थे दक्ष, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था एंड पहले राजा लोग बहुत यज्ञ कराते थे तो दक्ष ने एक यज्ञ कराया हुआ था जिसमें उन्होंने सभी देवी देवता को बुलाया, जैसे कि विष्णु भगवान, इंद्र, ब्रह्मा, जितने बड़े बड़े देवी देवता थे सबको बुलाया बट उन्होंने शिव भगवान को नहीं बुलाया। तो जब सती को पता चला कि उन्होंने उनके पति को नहीं बुलाया तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उनके पिता ने शिव भगवान को बुरा भला कहा। सो इससे सती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया कि गुस्से में अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। सो जब भगवान शिव को पता चला कि ऐसा हो गया तो वो वहाँ प्रकट हुए और ये सब देख उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दक्ष का, सती के पिता दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और जो सती का शरीर था उसे गोद में लेकर पूरी पृथ्वी के चक्कर काटने लगे एंड इतना ज़्यादा गुस्से में थे शिव भगवान की उनकी तीसरी आँख खुलने वाली थी एंड जब विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो पूरी सृष्टि ख़त्म हो जाएगी ऐसे तो उन्होंने क्या किया कि अपने चक्र से
सती माता के शरीर को विखंडित कर दिया। तो उनके शरीर के अंग पूरी पृथ्वी पे अलग अलग जगह गिरे एंड इस जगह सती का सिर गिरा था, इसीलिए इस जगह को सुरकंडा मंदिर कहते हैं। सो गाइस, अपनी फैमिली को लेके यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी जगह है। गाइस, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। सो सबसे पहले नीचे चलते हैं। ओके, बहुत तेज़ बारिश हुई है अभी। सो सारा रास्ता स्लिपी हो गया है, एज यू कैन सी बहुत समझ संभल के चलना पड़ रहा है। ओके गाइस, बारिश रुक चुकी है, सो अब चलते हैं वापस घर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना बहुत सारा, और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। देख रहे हो लोकेशन, हम यहाँ गए थे, ये सुरकंडा देवी का मंदिर है। यहाँ से घूम के यूँ ये सड़क आ रही है एंड अब यहाँ रुके एंड ये मस्त लोकेशन।